26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये एक गीत नहीं बल्कि 135 करोड़ लोगों का भाव है जो देश के वीर सैनिकों के लिए हर भारतीय के दिल से निकलता है। आज हम उन्हीं वीर सैनिकों के शौर्य की एक और गाथा के बारे में आपको बताएंगे। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ते हुए 18,000 की ऊंचाई पर एक बार फिर भारतीय तिरंगा फहराया था, जिसके बाद से हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक उदाहरण है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने 527 से अधिक वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से अधिक जवान घायल भी हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो पाक सेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय नाम से 2,00,000 सैनिकों को भेजा गया। और 26 जुलाई का वो दिन जब भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ते हुए कारगिल में तिरंगा झंडा फहराया। देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आज की खबर को।